मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, ये नंगला धीमर का गांव का मकान है, और ये मकान है इस वक्त कासगंज के मोस्ट वांटेड मोती का। मोती की तलाश इस वक्त चार अलग अलग जिलों की पुलिस कर रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है। मोती के घर में कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ जानवर हैं जो यहाँ पर बंधे हुए हैं। शायद कल जिस वक्त ये घटना हुई शाम को, और जब पूरा पुलिस का भारी भरकम अमला यहाँ पर पहुँचा, तो परिवार के तमाम लोग यहाँ से चले गए। मोती की लगातार तलाश की जा रही है। मोती के भाई को आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, और घर में आप देख सकते हैं कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है फिलहाल, सिर्फ कुछ ये पालतू जानवर ही हैं। घर क्या कहें, या फिर वो टूटे हुए छप्पर पड़े हुए हैं घर में, दो तीन कमरे हैं छोटे छोटे। लेकिन जिस तरीके से मोती पिछले काफ़ी समय से अपराध में लिप्त था, अपराध की दुनिया में शामिल रहा और शराब का कारोबार चला रहा था, अभी हालांकि पुलिस ये तमाम जानकारी इकट्ठी कर रही है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कहां कहां उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं, और ये जो गांव है, इस गांव के भी क्या कुछ और लोग भी उसके इस अपराध में साझेदार थे। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी हैं मनोज, क्योंकि मनोज वो हैं जो जब ये घटना हुई, जब तमाम पुलिस का अमला पहुंचा, ठीक उन्हीं के साथ मनोज भी यहां पर पहुंचे थे। मनोज, क्या कुछ आपने देखा था उस वक्त? ये मोती धीमर पेशेवर अपराधी है, दर्जनों इस पर मुकदमे दर्ज हैं। इसने शराब के लहन की फैक्ट्री चलाता था। ये क्या लगता है कि बरसों से शराब की फैक्ट्री चल रही है, संभवतः पुलिस की निगरानी में ही चलती होगी। पुलिस का एडीजी साहब का मानना है कि नोटिस चिपकाने गए थे। हम लोग रात में सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर रात में आए थे, 3 बजे से हमने रिपोर्टिंग की है। यहाँ पर कोई भी पुलिस का नोटिस नहीं चिपका हुआ। देखिए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये उसके घर की मेन दीवार है, कहीं पर कोई नोटिस चिपका हुआ नहीं है। जैसा कि पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नोटिस चिपकाने आए थे, यहाँ पर कहीं कोई नोटिस नहीं दिख रहा। और जो घटना स्थल है वो भी यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर है। मनोज, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, कल जब ये खबर आई आपके पास कि पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया हुआ है, पूरा मतलब भारी भरकम पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँच गया, जब आप यहाँ पर पहुँचे थे तो आपने क्या देखा था? कैसे जो एक कांस्टेबल मिसिंग था उस वक्त, आप तो शहीद हो गए हैं अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो उस वक्त मिसिंग थे, क्या कोशिशें हो रही थी उनको? सूचना यह थी, ये 4 बजे के लगभग ये लोग दोनों लोग आए थे क्षेत्र में, तो एडीजी साहब का कहना है कि ये लोग क्षेत्र में गए थे वारंट तामील करने, और इसका भी एक वारंट बताया जाता है कि इसको चस्पा करना था इसके घर पर। पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि न तो नोटिस चस्पा हुआ। यहाँ से काली नदी पड़ती है 3 किलोमीटर कटरी में, 3 किलोमीटर कटरी में जाकर लहन की फैक्ट्री चलती है, वहाँ रोड से उतर के 3 किलोमीटर हमको पैदल जाना है। पैदल जाने के बाद वहाँ खादर में बिल्कुल शराब की फैक्ट्री चलती है, जुआ खेला जाता है, वहाँ पास के पत्ते भी पड़े हैं, शराब की भट्टियाँ तोड़ी गई हैं पुलिस के द्वारा, तो वहाँ इनके साथ घटना की गई है। घटना के बाद फिर एक सिपाही को मार मार के हत्या कर दी जाती है, एक एसआई हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है, और बाकी सब पुलिस उसकी कॉम्बिंग में लगी हुई है। उसके छोटे भाई को सुबह उसका इनकाउंटर कर दिया गया है, और जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे थाना सड़पुरा में दर्ज हैं, और जमानत पर रिहा हुआ है। जी बिल्कुल, देखो दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये नंगला धीमरी गांव है, मैं आपको दिखाऊं, ये तमाम, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी है इस गांव की, लेकिन ऐसे में इतना खुलेआम हम कुछ लोगों से बात करने के, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए, जो मोती इस घर में रहता था, आप जानते हैं उसको? मैं भैया नहीं जानता। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं इस गाँव में? पहला रहता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी तरफ रहते हैं। अच्छा, उसकी ये कल वाली घटना के बारे में आपको पता चला? कल कुछ यहाँ पर हुआ था शोर शराब, आया पुलिस कुछ आई थी, देखा था? हमने नहीं देखा। देखिए, गांव के लोग फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप खुद देखिए कितना घनी आबादी वाला गांव है, और यहाँ पर इस हालांकि जो ये पूरे की पूरी शराब की भट्टी चल रही थी, काफ़ी यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर चल रही थी, और उसमें ये भी बड़ा मुश्किल है समझना कि इस भट्टी के बारे में लोगों को जानकारी ना हो। बाबूजी, आप यहाँ पर काफ़ी पुराने, आप ये बताइए, कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये मोती के बारे में जानकारी थी आपको? मैं कछ ना जानता, का वो लड़े के पूछो बेटा, मैं ना सुन पाई ना कछ। नहीं, मोती को जानते थे आप? मोती जो यहाँ रहता था, आप जानते हैं उसको? हाँ भाई, जानता तो है। अच्छा, कौन कौन है उनके घर में? मोती के घर में कौन कौन है उनके, उसके अलावा, मोती के अलावा? मोती के घर में कौन कौन रहता है उसके अलावा?
देखिए यहाँ पर कोई भी फिलहाल उसके बारे में ना हाँ बात करना चाहता है ना ही कोई जानकारी दे रहा है, लेकिन ये वाकई में समझना काफ़ी मुश्किल है कि मोती यहाँ पर इतने सालों से तमाम धंधा चला रहा, शायद ये डर है जिसके चलते आज उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और जिस तरीके का उसकी हिम्मत थी वो वाकई में उसने दिखाया कि उसने जब पुलिसकर्मी की सरेआम हत्या कर दी और एक पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उस मोती के बारे में भला कोई गांव वाला कैसे बोलेगा। कैमरा सन कलिकांत और मनोज के साथ विमल कौशिक, न्यूज 24 कासगंज।